हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में 12th तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए थे, आज 12th से आगे स्टार्ट करेंगे। 16 क्वेश्चन है टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर, तो 4 ही क्वेश्चन हमारे रहते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज कम्प्लीट हो जाएगी और चैप्टर भी हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाली वीडियोज नहीं देखी है तो जरूर देखिए, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए और जो 12 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हुए हैं वो भी आपको अच्छे से आ जाएं। तो जो हमने 12th क्वेश्चन किए हैं अभी तक, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमने फॉर्मूले की हेल्प से किए हैं। जो फॉर्मूला था हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी का, एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता था हमारे पास, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दो क्वेश्चन मैंने वेन डायग्राम की हेल्प से भी आपको सिखाए थे, कैसे वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को ईजिली हम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हम वेन डायग्राम की हेल्प से सीखेंगे कैसे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर हम फॉर्मूला लगाने लग जाएं तो बहुत लेंथी हो जाएंगे और हमें अच्छे से समझ भी नहीं आएंगे। तो आज हम वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। 13th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, इन ए सर्वे ऑफ 100% के ऊपर एक सर्वे किया गया। इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया कि 28 रीड मैगजीन ए, 28% ऐसे हैं जो ए मैगजीन को रीड करते हैं, मतलब मैगजीन का नाम मान लिया ए, और 30 पीपल ऐसे हैं जो बी मैगजीन को रीड करते हैं, और 42 ऐसे हैं जो सी मैगजीन को रीड करते हैं। मतलब तीन कैटेगरी हमारे पास होगी, ऐसे पीपल जो ए मैगजीन को पढ़ते हैं, ऐसे जो बी को, और ऐसे जो सी मैगजीन को पढ़ते हैं। उसके बाद 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, मैं आपको पहले बता चुका हूं बहुत बार कि अगर कहीं पे भी एंड लिखा मिल जाए या बोथ लिखा मिल जाए, उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है कितना, 8। उसके बाद आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, ए एंड सी का मतलब ये इंटरसेक्शन गिवन हमें ए एंड सी का, कितना गिवन है, 10। उसके बाद 5 रीड मैगजीन बी एंड सी, 5 ऐसे हैं जो बी और सी मैगजीन को पढ़ते हैं, बी एंड सी का मतलब बी इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है। तो तीनों का इंटरसेक्शन हमें गिवन है, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, और बी का सी के साथ। उसके बाद लास्ट में पढ़ते हैं 3 रीड ऑल 3 मैगजीन, 3 पीपल ऐसे भी हैं जो तीनों मैगजीन्स को पढ़ते हैं, मतलब वो तीनों मैगजीन्स के अंदर कॉमन है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हमें गिवन है। अब उसके बाद पूछा क्या गया है, ये इसका फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, अभी सेकेंड पार्ट भी करेंगे। इसके बाद हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन, हमसे पूछा गया है कि कितने पीपल ऐसे हैं जो तीनों में से कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो वेन डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अगर फॉर्मूले की हेल्प से हम करने लग जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं, चलिए सबसे पहले वही हम जो भी लिखते आए हैं, पीछे हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको अब तक आएगा होगा कि कैसे क्या लिखना है। अब मैं इतनी जगह नहीं है ज्यादा लिखने की, तो सीधा वेन डायग्राम बना रहा हूँ। कैटेगरी हमारे पास 3 है, एक तो ए मैगजीन की है, एक बी मैगजीन की, और एक सी मैगजीन की। और क्या क्या गिवन है हमें, ए मैगजीन जो है उसके अंदर टोटल जितने ए मैगजीन पढ़ते हैं वो कितने हैं, 28 हैं, और बी में कितने हैं, बी मैगजीन 30 पीपल बी मैगजीन पढ़ते हैं, और सी मैगजीन कितने पढ़ते हैं, 42 पढ़ते हैं सी मैगजीन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, ए एंड बी मैंने क्या बताया आपको, इंटरसेक्शन गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना गिवन है, 8। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, मतलब ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास गिवन कितना है, 10। अब नेक्स्ट 5 रीड मैगजीन बी एंड सी, 5 रीड मैगजीन बी एंड सी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना गिवन है, 5। और 3 ऐसे भी हैं जो तीनों मैगजीन को पढ़ते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें गिवन कितना है, 3। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले 3 सेट होंगे हमारे पास, ए बी और सी। अच्छा आप देखिए, टोटल 100 पीपल के ऊपर सर्वे किया गया, तो ये 100 क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट कैसे पता चला हमें, एक तो मैंने आपको पहचान बताई कि एटलिस्ट वाली लाइन अगर क्वेश्चन के अंदर दी मिलेगी तो वहां पे यूनियन होता है, और एटलिस्ट वाली लाइन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या गिवन है हमें, यूनिवर्सल। और अगर यूनियन दिया होता तो बस दो ही कैटेगरी की बात होती, जैसे किसी क्लास की बात होती है तो उसमें दो ही कैटेगरी की बात होती कि इतने स्टूडेंट वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इतने स्टूडेंट वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन ये सर्वे किया गया है टोटल 100% के ऊपर और उन्हीं की कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब
एन ऑफ यू भी हम लिख लेते हैं, एन ऑफ यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एन ऑफ यू हमें गिवन है यूनिवर्सल कितना 100। अब देखिए अगर हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी रीड नन ऑफ थ्री मैगजीन, ऐसे कितने हैं जो तीनों में से कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। अगर हम टोटल ये निकाल लें कि टोटल कितने पीपल ऐसे हैं जो मैगजीन पढ़ते हैं, तीनों में से कोई भी एक मैगजीन पढ़ते हैं टोटल कितने हैं, और यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास ऐसे बच जाएंगे कि जो एक भी मैगजीन को नहीं पढ़ते। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना हाउ मैनी रीड नन ऑफ थ्री मैगजीन, ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास कहीं से ये निकल आए कि कितने पीपल ऐसे हैं जो मैगजीन पढ़ते हैं, उन पीपल को हम 100 में से माइनस कर दें, तो हमारे पास वो बच जाएंगे जो नहीं पढ़ते। तो अब हम वही निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, तीन सेट हमारे पास ए बी और सी, तो तीन सेट कैसे लेते हैं वेन डायग्राम के अंदर, ये फर्स्ट सेट मैंने ले लिया, ये सेकंड सेट हो गया, और ये मैंने ले लिया थर्ड सेट, ये तीन सेट हो गए, और ये हमारा हो गया एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वेन डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं, ये हमारे पास कौन सा हो गया ए सेट हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया सी सेट। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको नीचे तक दिख रहा है या नहीं, यहाँ तक तो विजिबिलिटी है, आपको अच्छे से दिख रहा है। देखिए अब एलिमेंट लिखेंगे हम बारी बारी, ए ये टोटल सेट किसका है ए का है, और ये टोटल किसका बी, और ये टोटल सी। अब 28 ए के अंदर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 28 ए के एलिमेंट, बी के कितने 30 है, अब उसके बाद नेक्स्ट सी के कितने हैं 42 है। अब नेक्स्ट देखिए, अब सबसे पहले अगर कभी भी तीन कैटेगरी आपको गिवन हो, कभी भी तीन कैटेगरी आपको गिवन हो, तो सबसे पहले आपको जो तीनों के अंदर कॉमन दिया हुआ है वो लिखना है। तो तीनों के अंदर कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 है। अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है कम्प्लीट, ये ए इंटरसेक्शन बी का है, और ये दिख रहा है आपको ये ए इंटरसेक्शन सी का है, और ये जो पोर्शन है वो बी इंटरसेक्शन सी का है। तो इसमें तीनों जो जहाँ पे आ रहे हैं वो पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन है जिसके अंदर ए सेट भी आ रहा है, बी सेट भी आ रहा है, और सी सेट भी आ रहा है, तीनों सेट यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पोर्शन हो गया, ये कितना गिवन हमारे पास 3 गिवन है। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए, बिल्कुल ईजी है उसके बाद। तो अब देखिए ये 3 हमने लिख लिया, अब बारी बारी से सभी का इंटरसेक्शन लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 8। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है, ये ए सेट ये बी सेट, दोनों का कॉमन पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन है हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी का है, ए सेट भी और बी सेट भी दोनों है। टोटल कितना गिवन है 8, लेकिन 3 तो पहले ही आ गया, तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 5, ऐसे में लिखना है। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी पे अगर हम आए, तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये रहा, ये दिख रहा है आपको ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पोर्शन। अब ए इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है 10, फिर से वही काम करेंगे, 10 में से 3 तो पहले ही आ गया है, तो कितने बच गए 7। अब बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना गिवन है 5, ये बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन है, उसमें से 3 पहले ही आ गया, 5 में से 3 माइनस हो गए, तो कितने बच गए 2 बच गए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। अब टोटल एलिमेंट अगर हमें निकालने हैं, तो हमें ये हिस्सा निकालना पड़ेगा सभी सेट का, ये पार्ट जो है हमारे पास, इसमें क्या होगा ओनली ए के एलिमेंट होंगे। जैसे ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेके ये पार्ट, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे ओनली ए के, ओनली ए का मतलब जिसमें ना तो बी का पोर्शन हो ना ही सी का पोर्शन हो। उसके बाद हम ये निकाल लेंगे, ये ओनली बी के हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर ये पोर्शन निकाल लेंगे नीचे नीचे वाला, यहाँ पे क्या होगा ओनली सी के एलिमेंट होंगे। अब चलिए निकालते हैं, सबसे पहले तो टोटल एलिमेंट ए के अंदर कितने हैं 28, हमें सिर्फ ये एलिमेंट निकालने हैं, तो 28 तो टोटल है, 28 में से ये जो पार्ट है ये हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो 28 में से क्या माइनस करेंगे 5 और 3 8 प्लस में 7 15, 28 में से 15 अगर हम माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 30। तो ये ओनली ए के हमारे पास एलिमेंट आ गए 30। उसके बाद ओनली बी के एलिमेंट निकाल लेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना, सबसे पहले ये सभी चीजें निकाल के रख लेनी है, उसके बाद चाहे आपसे जो कुछ भी पूछे वो आप आसानी से बता सकते हैं। टोटल कितने हैं बी के अंदर 13,
बी के अंदर टोटल 30 हैं, 30 में से यहाँ पे ये जो है ये पहले ही आ चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, ओनली बी के 5 प्लस में 3 8 और 2 10, 30 में से 10 माइनस हो गए, कितने बचेंगे यहाँ पे 20 बचे। अब इस पार्ट के एलिमेंट निकाल लेंगे, टोटल सी के अंदर कितने 42 हैं, 42 में से कितने माइनस होंगे 7 और 3 10 2, 10 प्लस में 2 12, 42 में से 12 माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 30 एलिमेंट बच जाएंगे। तो ये चीजें हमने अब लिख ली। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन, ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी मैगजीन हमारे पास नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हम ये निकाल लेंगे कि टोटल कितने लोग ऐसे हैं जो सभी मैगजीन पढ़ते हैं या कोई भी एक मैगजीन पढ़ते हैं, टोटल एलिमेंट निकाल लेंगे। अब इनको भूल जाइए आप, 28 को, 30 को और 42 को, ये सभी निकालने के बाद अब इनको कैलकुलेट कीजिए, टोटल एलिमेंट कितने, 13 प्लस में 5 18, 18 प्लस में 3 हमारे पास कितने हो गए 21, 21 प्लस में 7, 21 प्लस में 7 कितने हो गए हमारे पास 28, 28 प्लस में 30 हमारे पास कितने हो जाएंगे 58, और 58 प्लस में 2 कितने हो गए 60, 60 प्लस में 20 कितने हो गए हमारे पास 80। तो टोटल हमारे पास जो कोई भी एक मैगजीन पढ़ते हैं वो कितने आ गए पीपल, 80 पीपल हमारे पास आ गए। अब हमें क्या निकालना है, कोई भी एक मैगजीन नहीं पढ़ते तो यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20। तो 20 लोग ऐसे हैं जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, ऐसे हम इजिली निकाल सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो तीनों के अंदर कॉमन है वो लिख लेना है, फिर उसके बाद तीनों के इंटरसेक्शन लिख देने हैं, जो भी कॉमन आया है वो उनके इंटरसेक्शन में से माइनस करा के लिख देना। क्यों लिखा है आपको समझ आ गया होगा, जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन था, इसमें से 3 तो ये पहले ही आ चुका है और बाकी हमारा टोटल 8 था, 3 पहले आ चुका तो कितना बच गया 5 बच गया। ऐसे सभी का इंटरसेक्शन हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद ओनली ए के एलिमेंट हमने निकाल ली, ओनली बी के और ओनली सी के। अब आसानी से हम टोटल एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं कि 28 प्लस में 30 प्लस में 42 ये एलिमेंट हो जाएंगे ए बी सी के, ये भी तो ए बी सी के हैं, तो ये टोटल हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनके अंदर कॉमन भी तो एलिमेंट हैं कुछ, इसलिए हम टोटल ये नहीं ले सकते। जैसे ए प्लस में बी करेंगे, 30 प्लस में 28 करेंगे तो 58 यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन इनके अंदर कॉमन एलिमेंट भी तो हैं जो वो तो एक ही माने जाएंगे, दो बार थोड़ी ना गिना जाएगा एक एलिमेंट, इसलिए हमें ओनली वाले निकालने पड़ेंगे। तो ये हम क्या लिखेंगे ऊपर क्वेश्चन करते वक्त, बाय यूजिंग वेन डायग्राम 100 माइनस 8 इज इक्वल टू 20 हम कर देंगे और ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जितने पीपल के कोई भी मैगजीन रीड नहीं करते। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ सी मैगजीन पढ़ते हैं। तो ये वेन डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो सी मैगजीन पढ़ते हैं, हाउ मैनी रीड सी मैगजीन ओनली। तो सी मैगजीन ओनली मतलब सी ओनली के हमने जो एलिमेंट निकाले कितने निकाले हैं, 30 निकाले, 30 निकाले हैं, तो हमारे पास आंसर सीधा कितना आ गया बाय यूजिंग वेन डायग्राम 30। अब आपसे सी के अंदर यही पूछ सकता है कि हाउ मैनी रीड बी ओनली, बी ओनली कितने निकाले 20, बी ओनली का मतलब सिर्फ बी का पोर्शन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बी ओनली या बट नॉट ऐसा हो तो उसके अंदर सिर्फ बी के ही एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बी के ही एलिमेंट, तो बी ओनली में 20 आ जाएगा, ए ओनली में कितना आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड से भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, बस आपको ये बनाना आना चाहिए, और अभी तक आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे वेन डायग्राम को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम करेंगे वो वेन डायग्राम की हेल्प से ही करेंगे, बाकी एक क्वेश्चन भी इसमें आएगा जो फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे क्योंकि वो इजी पड़ेगा, उसमें वेन डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। 14th क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, ए सर्वे शोज दैट 67% लाइक प्रोडक्ट P1, वही एक सर्वे किया गया, उसके अंदर देखा गया कि 67% लोग ऐसे हैं जो P1 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं और 73% ऐसे हैं जो P2 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। अगर X% पीपल ऐसे हैं, X% पीपल लाइक बोथ प्रोडक्ट P1 एंड P2, बोथ का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, मतलब P1 और P2 का इंटरसेक्शन क्या बोला है इसने, X, हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। अब टोटल जो सर्वे किया गया है वो 100% हम ले सकते हैं, 100 पीपल ले सकते हैं,
तो उसे हम क्या मानेंगे, यूनिवर्सल मानेंगे। तो एन ऑफ यूनिवर्सल हम मान लेते हैं लेट, और ये तो अंडरस्टूड भी है कि 100% में से ही निकले होंगे ये 67% ने इतना लाइक किया, 73 ने, और उनके अंदर अंदर कुछ कॉमन पोर्शन होगा, तो ये हमारा यूनिवर्सल की वैल्यू होगी 100। और कई बेवकूफ़ी कर देते हैं कि इस 100 को यूनियन मान लेते हैं, और 100 को यूनियन मान के फिर इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं फॉर्मूले से, जो कि गलत है। ये क्या है, यूनिवर्सल। अब पी वन प्रोडक्ट को मैं मान रहा हूँ कि ए है, और पी टू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पीपल मैं मान रहा हूँ बी। अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यही तो हमें निकालना है। एक्स परसेंट क्या दिया है, लाइक बोथ प्रोडक्ट पी वन एंड पी टू। पी वन क्या मानना हमने ए, पी टू क्या मानना हमने बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या गिवन है, एक्स, और एक्स की ही वैल्यू हमें क्या करनी, फाइंड करनी। ए और बी हमारे पास कितने गिवन है, पी वन के लिए 67 गिवन है, ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ, पी वन के लिए 67 मान लेते हैं, और पी टू के लिए कितनी है हमारे पास, 73 है। तो ये दोनों वैल्यूज तो हमें गिवन है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, हमें गिवन है। इंटरसेक्शन हमें निकालना है, और यूनियन भी अननोन है हमारे पास, यूनियन भी गिवन नहीं है। तो इंटरसेक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए, एन ऑफ ए यूनियन भी वैसे का वैसे रखेंगे, माइनस में एन ऑफ ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एन ऑफ ए हमने पी वन को मानना है, तो यहाँ पे 67 आ जाएगा, प्लस में एन ऑफ बी कितना, 73 माइनस में एक्स, यहाँ पे एक्स ही निकालना, हम परसेंटेज वगैरह सब हटा दिया। अब देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल निकल के आ गया, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 67 प्लस में 73 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 140 माइनस में x, ये हमारी a यूनियन b की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, x। अगर कहीं से a यूनियन b की वैल्यू अगर हमारे पास होती तो वहां से हम इजीली निकाल सकते थे, इसको इस साइड ले आते हैं, माइनस हो जाता और x की वैल्यू हमारे पास निकल आती, इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाता। लेकिन अब कोई और मेथड हमें लगाना पड़ेगा, क्या लगाएंगे वो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो n of a union b is less than n of u, ये हमें पता है। हर एक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट में या तो यूनिवर्सल सेट से कम एलिमेंट होते हैं, या कोई बड़ा सेट हो तो उसके बराबर एलिमेंट होते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि a union b के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट से तो कम ही होंगे, क्योंकि हर एक सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट। अब इसी को हम लेके चलेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू। तो यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी मिलेगी इसकी इंटरसेक्शन की, एक्स की, वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर रहा हूँ 140 माइनस में एक्स, इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमने निकाल ली थी 140 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन, किससे लेस देन, एन ऑफ यू से, एन ऑफ यू की वैल्यू कितनी है हमारी, 100 है, 100 आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाके माइनस, ये साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स लेस देन इक्वल टू 100 माइनस में 140, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस के 40। अब माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि हमें माइनस साइन तो चाहिए नहीं, प्लस साइन चाहिए। अगर माइनस साइड से दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड, तो जो ये लेस देन का साइन है ग्रेटर देन का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ये लीनियर इनइक्वालिटीज आपका 6th चैप्टर है, उसके अंदर आप सीखेंगे। वैसे भी अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएं तो उल्टा ही होगा, जो वैल्यू माइनस की जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, तो साइन को क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा करना पड़ेगा, ये छोटी और ये बड़ी। और वैसे भी लीनियर इनइक्वालिटी में आप सीखेंगे आगे, बस फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए, अगर माइनस साइन की दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, जो लेस देन वो ग्रेटर देन। अब हमें ये तो पता चल गया कि इंटरसेक्शन 14 से बड़ा होगा, 40 से इंटरसेक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। अब 40 से तो बहुत सारी वैल्यू बड़ी होती हैं, इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं, तो क्या इनफाइनाइट तक इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा, बिल्कुल नहीं होगा। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी कि जहाँ कोई लिमिट हो,
इसकी एक्स की इंटरसेक्शन की कोई लिमिट मिले हमें कि कहाँ से कहाँ तक इंटरसेक्शन होगा, तो वो हम लिमिट फाइंड आउट अब करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये तो हमें पता चल गया कि 40 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए एन ऑफ ए के अंदर एलिमेंट है हमारे 67 और एन ऑफ बी के अंदर हमारे एलिमेंट है 73। ठीक है, अब 67 और 73 टोटल पीपल हैं, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन कितने एलिमेंट हो सकते हैं, दोनों में मैक्सिमम कॉमन 67 एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो टोटल 67 ही एलिमेंट है। तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 67। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास वो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 67 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि दोनों के अंदर मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 67 ही हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट इसके अंदर 67 ही है। तो मिनिमम हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी इंटरसेक्शन की कहाँ से, 67। अब x की वैल्यू 40 से बड़ी है, 67 से छोटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और लेस देन इक्वल टू 67। अगर हमें कभी भी यूनियन की वैल्यू ना दी मिले तो हम इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, जो लिमिट हमें मिल जाएगी एक तरीके से कि इतने से बड़ा होगा इतने से छोटा होगा, कि हमें वैल्यू मिल गई इंटरसेक्शन की x की। क्वेश्चन नंबर 15 से आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे वेन डायग्राम की, कैसे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। देखिए पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या हमसे पूछा गया है। तो कई पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो बारी बारी से सभी पार्ट हम करेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, आप भी बुक साथ में लेकर बैठें ताकि आपको अच्छे से स्टेटमेंट क्लियर हो सके। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट के ऊपर क्या किया गया, एक सर्वे किया गया, फिर से वही बात आ गई, एटलीस्ट वाली लाइन कहीं पे भी नहीं है, तो 25 क्या गिवन है, यूनिवर्सल गिवन है। उसके बाद इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, 15 स्टूडेंट के पास कौन सा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 स्टूडेंट के पास कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है। और 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 स्टूडेंट के पास क्या है, केमिस्ट्री, ये PHY लिखा हुआ है, इसका मतलब फिजिक्स है। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, एम से मैथमेटिक्स है, जगह बचाने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, और CH क्या है, केमिस्ट्री है। तो मैथ का और केमिस्ट्री का क्या गिवन है, इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एम से मैथमेटिक्स, सॉरी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के कितने के पास है, 9 स्टूडेंट के पास है, तो ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन हो गया। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्या हो गया, इंटरसेक्शन। 4 3 हैड टेकन ऑल थ्री सब्जेक्ट, 3 स्टूडेंट ऐसे जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हैं, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। हमें क्या निकालना है, ओनली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट निकालने, फर्स्ट पार्ट यही है। तो ओनली वाले तो हम सीखा है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, हमने सीखा था सबसे पहले सभी एलिमेंट हम लिख लेंगे, उसके बाद ओनली वाले निकाल लेंगे इंटरसेक्शन लिख के। अब देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, हम लेट करेंगे वही ए हमने मान लिया है मैथमेटिक्स को, जिन वो स्टूडेंट जिनके पास क्या है, मैथ्स है। बी मैंने मान लिया जिनके पास फिजिक्स है, और सी मान लिया जिनके पास केमिस्ट्री है। ठीक है, अब सभी के एलिमेंट हम लिखेंगे, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, जिनके पास मैथमेटिक्स है 15 है, तो ए की वैल्यू 15 होगी, एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास कितने एलिमेंट है बी के अंदर, बी हमने क्या लेट किया, फिजिक्स, तो फिजिक्स कितनों के पास है, 12 स्टूडेंट के पास फिजिक्स। उसके बाद एन ऑफ सी कितने स्टूडेंट के पास केमिस्ट्री है, 12 के पास फिजिक्स है, 11 के पास क्या है, केमिस्ट्री, 11 के पास केमिस्ट्री। अब 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री, मैथ्स हमने ए मानना है, केमिस्ट्री हमने सी मानना है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 5। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा इंटरसेक्शन गिवन है, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स ए इंटरसेक्शन
बी हमें गिवन कितना है 9। अब उसके बाद नेक्स्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा गिवन है, ये रहा यहाँ पे फोर हेड डेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, ये नहीं बी इंटरसेक्शन सी, फोर हेड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स बी मानना हमने, केमिस्ट्री हमने सी मानना है, तो ये हमारे पास गिवन है बी इंटरसेक्शन सी फोर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सभी हमने सही लिख दिया गया। ए इंटरसेक्शन सी कौन सा हमने लिखा है, 11 हेड टेकन केमिस्ट्री, 5 हेड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ए मानना है, केमिस्ट्री हमने सी मानना है, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना हो गया 5 हो गया। अब उसके बाद 9 हेड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स हमने ए माना है, फिजिक्स हमने बी माना, तो इंटरसेक्शन भी हमारा 9 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4 हेड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स हमने बी मानना है और केमिस्ट्री हमने सी मानना है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी 4 हो गया। हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं। और अब ऑल थ्री सब्जेक्ट कितनों के पास है, तीन के पास, तीन स्टूडेंट ऐसे जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसका मतलब वो हमारे पास तीनों का इंटरसेक्शन गिवन है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है, 3 हमारे पास गिवन है। अब वेन डायग्राम बनाते हैं, चलिए फिर से वही वेन डायग्राम बनाएंगे, जैसे तीन सेट हमने लिए थे ए और बी, ऐसे यहाँ पे भी लेंगे, ये हमने ले लिया ए सेट और ये हमने ले लिया बी सेट, उसके बाद एक हम लेंगे सी सेट, ये हमने तीनों सेट ले लिए और एक क्या लेंगे यूनिवर्सल, एक क्या लेंगे यूनिवर्सल। एन ऑफ यू की वैल्यू कितनी गिवन है 25, एन ऑफ यू इज इक्वल टू 25। अब बारी बारी से एलिमेंट लिखेंगे, सबसे पहले तो टोटल के लिख देंगे कितने कितने हैं, ए के अंदर कितने हैं 15, बी के अंदर कितने हैं 12, यहाँ पे ए है ये बी है ये सी है, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं 15 है, बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं 12 है, सी के अंदर कितने एलिमेंट हैं 11 है। अब सबसे पहले क्या बताया था मैंने, जो तीनों के अंदर कॉमन है उसके एलिमेंट लिखेंगे, तीनों के अंदर कॉमन पोर्शन क्या है, तीनों के अंदर कॉमन पोर्शन है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे। अब बारी बारी से सभी का इंटरसेक्शन लिखेंगे, अब सभी का इंटरसेक्शन लिखेंगे बारी बारी से, ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें गिवन है तो वो लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 9, ए इंटरसेक्शन बी का यही पोर्शन हमारे पास होता है, 9 गिवन है, 9 में से 3 पहले आ चुका, तो ये कितना बच गया 6 बच गया। अब नेक्स्ट बी सी, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना गिवन है 4 गिवन है, तो बी इंटरसेक्शन सी का पोर्शन हमारे पास क्या है, ये बी इंटरसेक्शन सी का पोर्शन यही है, 3 पहले आ चुका है, तो ये कितना बच गया 1 बच गया, 4 था भी इंटरसेक्शन सी, 3 पहले आएगा, 4 में से 3 माइनस हो गया तो 1 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी कितना है 5 है, ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन सी का, 5 में से 3 पहले आ गया, तो ये कितना बच गया 2 बच गया। अब ये हमने लिख ली इंटरसेक्शन के, अब ओनली वाले लिखेंगे, ओनली वाले ये टोटल ओनली ए के अगर हम लिखेंगे तो टोटल कितने हैं 15 है, यहाँ पे ये टोटल कितने हैं 15 में से अगर हम ये पूरा पोर्शन कंप्लीट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन बच जाएगा, तो 6 और 3 9 और 2 कितने हो गए 11, 15 में से 11 माइनस हुए तो कितने बचे 4, ओनली ए के एलिमेंट कितने बचे के 4। अब ओनली बी के निकालेंगे 6 और 3 9 और 1 10, तो 12 में से 10 माइनस हो जाएंगे, ये पोर्शन माइनस हो जाएगा, कंप्लीट में से कितने बच गए सॉरी 2 बच जाएंगे, 12 में से 10 माइनस होंगे तो 2 बचेंगे। अब उसके बाद ओनली सी के अगर हम निकालेंगे तो कंप्लीट कितने हैं 11 है, और कंप्लीट में से ये ऊपर वाला पोर्शन हम माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाला बच जाएगा हमारे पास, कितना है नीचे वाला 3 और 2 5 और 1 कितने हो गए 6, 11 में से 6 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे 5। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए सेट्स का या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स का, अगर इस क्वेश्चन से कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम इस वेन डायग्राम के अंदर देख के आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। अब सभी आंसर हमारे आगे हैं। अब फर्स्ट पार्ट ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री कौन सा पोर्शन है, सी हमने माना था केमिस्ट्री वाले, सी लेट किया केमिस्ट्री वाले वालों को हमने, तो कितना है ओनली केमिस्ट्री 5, अभी अभी निकालने हैं, तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या गया हमारे पास ओनली केमिस्ट्री का, आप लिख देंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम ओनली केमिस्ट्री, दो स्टूडेंट विच हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री, तो कितने हो जाएंगे 5।
अब नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट है। ओनली मैथमेटिक्स कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मैथमेटिक्स हमने ए वाले मान लिए हैं, तो ओनली मैथमेटिक्स ये पोर्शन हमारा हो गया ओनली मैथमेटिक्स का, ओनली मैथ्स का। कितना दिख रहा है आपको वेन डायग्राम में, ओनली ए के, ओनली ए के ये एलिमेंट रहे फोर। अब ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, फिजिक्स वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, जल्दी से वेन डायग्राम में देख के बताइए आप खुद, ओनली फिजिक्स वाले कितने हो जाएंगे, बी को हमने फिजिक्स माना है तो फिजिक्स वाले कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। फिजिक्स वाले कितने हो गए, फर्स्ट थ्री पार्ट तो हमारे देखते ही हो गए, हमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी एक बार अगर वेन डायग्राम बन गया तो। अब नेक्स्ट हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, एंड का मतलब क्या है इंटरसेक्शन, बट नॉट का मतलब क्या है माइनस, मतलब सिर्फ हमें कौन सा पोर्शन लेना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, बट नॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वाले उसमें से क्या कर देने हटा देने हैं, माइनस कर देने हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बी और सी का कॉमन पोर्शन, बट नॉट मैथमेटिक्स, उसके अंदर ए नहीं आना चाहिए। तो बी और सी का कॉमन पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, ये रहा बी और सी, बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन है ये, दिख गया आपको बी और सी के अंदर कॉमन, ये पोर्शन जिसमें थ्री और एक लिखा हुआ है। अब पूछा क्या है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो होने चाहिए लेकिन मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो होने चाहिए लेकिन मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एथ सेट यहाँ से अगर देखेंगे तो थ्री तो ए सेट के अंदर भी आ रहा है, मतलब थ्री स्टूडेंट ऐसे जिनके पास मैथमेटिक्स भी है, तो हम क्या करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पोर्शन ये है, ये पोर्शन, इसमें से क्या करेंगे हम थ्री को हटा देंगे, इसमें से क्या करेंगे थ्री को हटा देंगे, थ्री को क्यों हटाएंगे, क्योंकि थ्री ए के अंदर आ रहा है, बट नॉट मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा कौन सा बच गया, सिर्फ एक ही स्टूडेंट बच गया जिसके पास दोनों है फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, तो फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर क्या लिखेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, ऐसा सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसके पास मैथ नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, इसका क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ये पोर्शन हो गया हमारे पास, मैथमेटिक्स को हमने ए मानना है, केमिस्ट्री को हमने सी मानना है, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में क्या हो गया कॉमन, ये हो गया ये पोर्शन जिसमें दो और तीन लिखा हुआ है। अब इसमें मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट सॉरी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बोल रहा है, हाँ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स का हमारे पास ये पोर्शन है, ये रहा इसमें सिक्स और थ्री लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो सी के अंदर क्या आ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर थ्री आ रहा है ना, सी पूरा केमिस्ट्री का सेट है उसके अंदर थ्री आ रहा है, तो हमारे पास सिर्फ जो ए और बी का हिस्सा कौन सा बच गया कॉमन, ये बच गया, हमें सी तो लेना ही नहीं, तो इसका फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा, फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सिक्स। फिफ्थ में क्या पूछा गया है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, कितने आ जाएंगे हमारे पास सिक्स स्टूडेंट आ जाएंगे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कॉमन पोर्शन ये कंप्लीट है लेकिन केमिस्ट्री हमें नहीं चाहिए, बट नॉट केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री हमें नहीं चाहिए, केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, तो थ्री को हमने हटा दिया, क्यों हटा दिया क्योंकि थ्री केमिस्ट्री सेट के अंदर आ रहा है। अब सिक्स पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा गया, इसमें ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिक्स पार्ट में क्या पूछा है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा कोई भी नहीं होना चाहिए, तो जितने भी ओनली वाले उनको हम ऐड कर देंगे, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली वाले तो हमारे पास कितने, चार स्टूडेंट ऐसे जिनके पास सिर्फ मैथमेटिक्स है और टू ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ फिजिक्स है, फाइव ऐसे जिनके पास सिर्फ केमिस्ट्री, टोटल ये स्टूडेंट है जिनके पास एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो फोर और टू कितने हैं सिक्स, सिक्स प्लस में फाइव कितने हैं हमारे पास इलेवन स्टूडेंट, तो ये हमारे पास निकल गया गया इलेवन जिनके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, ऐसे टोटल ग्यारह स्टूडेंट है पच्चीस में से जिनके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है इसका सेवन्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट
वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब एटलीस्ट वर्ड को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको आगे प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाला है और प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट का मीनिंग हुआ कम से कम एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, और ज्यादा दो भी हो सकते हैं किसी के पास, तीनों भी हो सकते हैं, वो भी चलेंगे। एटलीस्ट का मीनिंग ये होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब समझ गए आप कि कम से कम एक होना चाहिए और ज्यादा दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं। तो मतलब इसका क्या है, इसमें ओनली वाले भी आ जाएंगे, जिनके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों हैं वो भी आ जाएंगे, जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री वो भी आ जाएंगे, और जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हैं वो भी आ जाएंगे। इसका ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ, हमें टोटल एलिमेंट लिख देने हैं। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो लिख देंगे, 4 प्लस में 6 10, 10 प्लस में 2 12, 12 और 1 13 प्लस में 3 16, 16 प्लस में 2 कितने हो गए हमारे पास 18, और 18 प्लस में 5 हमारे पास कितने हो गए 23। तो 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट है, कम से कम एक सब्जेक्ट तो है ही, और बाकी किसी के पास दो हैं, किसी के पास तीन। अब एट्थ पार्ट, नन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट बताने जो कुछ भी नहीं पढ़ते, कोई भी सब्जेक्ट जिनके पास नहीं, ना ही मैथमेटिक्स, ना ही फिजिक्स, ना ही केमिस्ट्री। तो 23 स्टूडेंट ऐसे जिनके पास कम से कम एक सब्जेक्ट तो है, कम से कम एक सब्जेक्ट तो है, वो हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे, टोटल 25 थे यूनिवर्सल में, टोटल 25 थे। ये जो रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, इसके अंदर टोटल कितने यूनिवर्सल, यही हम सेट बोलते हैं 25, और अंदर एलिमेंट कितने हैं टोटल 23, अभी अभी ऐड किए हैं। तो नन ऑफ वाले कैसे निकालते हैं, हम 13th क्वेश्चन के अंदर भी करके हैं, 25 माइनस में 23 हम कर देंगे, दो स्टूडेंट ऐसे बच जाएंगे जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। टोटल 25 थे, उसमें से हमने ये तो निकाल रखे हैं किसके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 23 स्टूडेंट ऐसे जो एक कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं, और 25 में से 23 को माइनस कर दिया, कितने बच गए, 2 बच गए, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जो हमने 14th क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह से। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे, फिर से वही सर्वे वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे अभी सभी। 2000 कंज्यूमर ऐसे जिनके ऊपर सर्वे किया गया, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट गिवन है हमारे पास, एंड रिपोर्टेड दैट 1720 लाइक प्रोडक्ट P1, 1720 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट P1 को पसंद करते हैं, और 1450 लाइक P2, जो 1450 ऐसे हैं जो P2 प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। वट इज द लिस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, कम से कम कितने ऐसे कंज्यूमर हैं जो दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमने 14th क्वेश्चन के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फाइंड आउट की थी, इसके अंदर सिर्फ मिनिमम फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले यूनिवर्सल गिवन है हमें कितना, 2000 वो लिखते हैं, उसके बाद सीधा P1 P2 हम लेके चलते हैं। N ऑफ P1 कितना है, N ऑफ P1 इज इक्वल टू P1 प्रोडक्ट को कितने लाइक करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1720, N ऑफ P2 प्रोडक्ट को कितने लाइक करते हैं 1450, कितने कंज्यूमर। अब चलिए सोल्व करते हैं, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे N ऑफ A यूनियन B वाला, तो N ऑफ P1 यूनियन P2 इज इक्वल टू N ऑफ P1 प्लस में N ऑफ P2 माइनस में N ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, माइनस में N ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2। अब यूनियन तो हमारे पास गिवन है नहीं, फिर से वही तरीका हम लगाएंगे, अगर यूनियन नहीं गिवन हो तो इंटरसेक्शन कैसे निकाल लेंगे। तो ये तो वैसे का वैसे P1 यूनियन P2, N ऑफ P1 की वैल्यू कितनी है वो रख देंगे, P2 की वैल्यू रख देंगे, माइनस में इंटरसेक्शन तो हमें निकालना है, इसने बोला है N ऑफ P1 यूनियन P2 कितना निकल के आ गया हमारे पास, 1720 प्लस में 1450 कितने हो जाएंगे 0, 542 हमारे पास कितने हो गए 7, 4 प्लस में 7 11, 1 और 1 2 एक कैरी कितने हो गए हमारे पास 3170। तो ये हमारे पास निकल के आ गया N ऑफ P1 यूनियन P2। अब उसके बाद फिर से वही काम करेंगे हम,
हमें क्या पता है, एज वी नो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ पी वन यूनियन पी टू हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के सभी सेट सबसेट होते हैं, इसलिए जो यूनियन है वो भी यूनिवर्सल का सबसेट होगा, और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल से क्या होंगे, कम होंगे। तो इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, एन ऑफ पी वन यूनियन पी टू की हमारे पास कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, लेस देन इक्वल टू, सॉरी माइनस में इंटरसेक्शन रह गया, हमने वो नहीं लिखा, यहाँ पे देखिए माइनस में इंटरसेक्शन भी था, माइनस में एन ऑफ पी वन इंटरसेक्शन पी टू, माइनस में इंटरसेक्शन छोड़ दिया था। अब यहाँ पे आइए फिर से, एन ऑफ पी वन यूनियन पी टू को हम ये लिख सकते हैं, ये लिख लिया, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, एन ऑफ पी वन यूनियन पी टू की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, ये कंप्लीट पुट कर देंगे, एन ऑफ पी वन यूनियन पी टू की जगह पे ये आ जाएगा 300 170 माइनस में एन ऑफ पी वन इंटरसेक्शन पी टू लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू। अब एन ऑफ यू की वैल्यू कितनी है, 2000 है, एन ऑफ यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर 2000, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं सीधा 2000। अब ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस में एन ऑफ पी वन इंटरसेक्शन पी टू इज इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू 2000 माइनस में 3170। तो ये हमारे पास कितने बच जाएंगे, माइनस के एन ऑफ पी वन इंटरसेक्शन पी टू, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास निकल के माइनस का 1170 निकल के हमारे पास आएगा। अब फिर से वही काम करेंगे, नेगेटिव तो मैं चाहिए नहीं, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एन ऑफ पी वन इंटरसेक्शन पी टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1170। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब एन ऑफ पी वन इंटरसेक्शन पी टू की मिनिमम वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1170 से एन ऑफ इंटरसेक्शन बड़ा होगा, इसका मतलब ये क्या है, मिनिमम वैल्यू, या तो इसके बराबर या इससे बड़ा, ये हमें फाइंड आउट करनी थी। तो लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, 1170 होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहीं पे होता है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोज के लिए। 11th क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स हम इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।